मेरा जो समुदाय है उस पर ज़्यादातर लोग आदिवासी रहते हैं और एक आदिवासी इलाका है। यहाँ तक अभी बिजली और पानी का सुविधा नहीं पहुँची है। बिजली ना होने के कारण से ये लोग किरोसिन का लांठन यूज़ करते थे और इतने महंगाई के ज़माने में हर दिन किरोसिन यूज़ करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। अगर किरोसिन जड़ूल असुविधा हो सब किसी कड़े जापन पवन पवन हेल्ले सब बर्षा हेल्ले पवन हेल्ले जाऊला। अभी पिछले 2 साल से संबद नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनको सोलर लाइट दान में दिया और इससे इनका जीवन में थोड़ा बदलाव आया है। पाठ पढ़े पाठ पढ़ु अभी रात अंदर जुआड़े जापे सोलर दरकु रोसे फोसे सब सुविधा होगी लाइन भी आमर ना गोटे थर चार्ज करिया केते टंका नो खर्च होछ आपनकर 2 टंका। अच्छा जदी किरोसिन व्यवहार करले जते बेले सेते बेले टू आ एबे भीतर आपन कोन माने कोन सुविधा सब पाई चंती ए किरोसिन व्यवहार करतले सेते बेले असुविधा होतला कोन सब असुविधा होला ओ देखे परचे ए पैसा खर्च हो गेला। मेरे गांव में ये सोलर लाइट से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इसीलिए जो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आपके इलाके में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है तो आप लोग भी सोलर लाइट्स के बारे में लोगों को बताइए और अगर आपके पास सोलर लाइट अभी तक नहीं पहुंची तो आप नीचे दिया गया इस संबंध ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं तो मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के कोचिला नाव गाँव से सरिता विश्वास।